अगर कल आपका इंटरव्यू है, आपकी डेमो क्लास है और मैं आपसे पूछूं कि आपको डर लगता है, तो ऑब्वियसली आपका जवाब हाँ आएगा। और अगर ये पूछूं डर कब लगता है, तो आप शांत हो जाएंगे। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। अगर आप प्रॉपर तैयारी नहीं करके चलते हैं, आप अपने टॉपिक, अपने कंटेंट को बढ़िया से तैयार करके वहां नहीं पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली आपको डर लगेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका डेमो है, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, अगर आप चाहते हैं इंप्रेसिव हो, प्रेजेंटेबल हो और 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद कारगर होगी, क्योंकि इस फील्ड में पिछले 18 साल से काम कर रही हूँ। दोस्तों, सिंपल सा फंडा है कि अगर आप कोई भी चीज प्रेजेंट करने के लिए जा रहे होते हैं, जो फर्स्ट की पॉइंट है हमारा, तो उस वक्त आपके फेशियल एक्सप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होते हैं। बच्चे होते हैं, अगर आप एक डरावना सा भयानक सा चेहरा लेके और एकदम गुस्से वाला चेहरा लेकर उनके सामने पहुंच, डेफिनेटली डर के मारे उनकी हालत खराब होने वाली है। तो पहला फैक्टर यही है कि हमेशा आपको अपने आप को एकदम स्माइलिंग और प्लीजिंग सी जो स्माइल है उसके साथ क्लास में प्रेजेंट करना है। दूसरा है आपकी लैंग्वेज। आप ये ध्यान रखना कि आप किस जोन के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे स्कूल के लिए, ऐसे ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर के लिए डेमो दे रहे हैं जहां पर बाय लैंग्वेज रहने से काम चलेगा, और ये डेफिनेट भी है, चाहे किसी भी स्कूल की बात कर लीजिए, इंडिया में ऐसा कोई फर्राटेदार स्थिति नहीं है जहां पर कंप्लीट थ्रू आउट स्टार्टिंग टू एंड अगर आप इंग्लिश बोल के चले जाइए, सारे डिफिकल्ट वोकैबुलरी जो है उस सब्जेक्ट की वो परोस दीजिए बच्चों के सामने, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर से गुजर जाएगी वो टर्मिनोलॉजी। आपको बैलेंस रखना होगा हिंदी और इंग्लिश में। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ अगर अपने बच्चों को, और उसमें उनके कंफर्ट जोन, उनके लेवल पे आके पढ़ाऊं, उसका रीजन जानते हैं, क्योंकि बच्चे जो क्लास में होते हैं उसमें से हाई बुद्धि लब्धि वाले सिर्फ 3% बच्चे होते हैं, बाकी मैक्सिमम मीडियोकर्स होते हैं और कुछ बिलो एवरेज बच्चे भी होते हैं। और अगर आप क्लास दे रहे हैं तो इस माइंडसेट को रखिए, देखिए कि जो सबसे बिलो लेवल पे है, अगर आपने उसके दिमाग को, उसके दिल को छू लिया, तो डेफिनेटली बाकी क्लास तो आपकी वाहवाही कर ही देगी और आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाना है। अगला, आपका चलने का स्टाइल। अगर आप खड़े होके इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं ऑफलाइन की बात करती हूँ, कि आप बहुत ज्यादा मूव कर रहे हो, आप घूमे जा रहे हो टॉपिक समझाते हुए, मतलब बच्चों की कंसंट्रेशन कहाँ से बनेगी, एक बार में आप तितली बन के यहाँ उड़ रहे हो, उधर उड़ रहे हो, जस्ट क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा है, आपको डर लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों की कंसंट्रेशन ज्यादा टिकेगी नहीं, बट नहीं, आपने कह रहे पूनम मैम ने बोला कंसंट्रेशन रोकनी है, तो मतलब मैं हिलूंगा नहीं यहां से, ना मेरे हाथ हिलने चाहिए ना पैर, बच्चे एकदम फुल फोकस से जो है मुझी पे ध्यान दे, तो ये भी गलत हो जाता है। तो लगता है कि सामने जो है वो कोई डमी खड़ा हुआ है। आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका बॉडी मूवमेंट्स होना बेहद जरूरी है, बट वो थोड़ा लिमिट में रहे, जो बोर्ड होता है बोर्ड साइज के अंदर अंदर आप घूमिए। हाँ, अब आप ये चीज में ये टॉपिक जरूर घुसाएंगे कि मैम बहुत बार तो हमने ये कहते हुए सुना कि बच्चों से इंटरेक्ट करिए, बच्चों के पास जाकर कुछ चीज पूछ लीजिए, बच्चों के सिर पे हाथ रख दीजिए, बच्चों के पास जाके क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। डेमो क्लास में समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर आपने कुछ काम दिया तो आप बच्चों की क्लास में घूमने निकल पड़ते हैं, तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गलत हो जाए। दिस इज द बेस्ट पार्ट कि अगर आप अपनी इस स्किल को डेवलप करके चलते हैं, कि जब भी आप डेमो क्लास में कोई भी क्वेश्चन बच्चों को, रैंडम क्वेश्चन, कि अच्छा ठीक है, एनी गेसेस अबाउट दिस क्वेश्चंस आंसर, आपको लग रहा है ठीक है, राइट डाउन इन योर कॉपी। अब बच्चे जो है राइटिंग डाउन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपनी कॉपी में, इस सिचुएशन में रीजन बीइंग क्योंकि आप ब्लंट आंसर नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि पूरी क्लास एकदम से रैंडम आंसर दे दे, तो इस सिचुएशन में आप जाके देखेंगे नहीं देखेंगे कि कौन सा बच्चा जो है वो सही लिख रहा है नहीं लिख रहा है। और सम टाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे अपने थॉट्स कुछ गलत भी लिख रहे होते हैं, अंडे पंडे पुंडे कुछ भी थॉट्स लिख रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन में टीचर को बड़ी अच्छी सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल बेस्ट मूवमेंट होता है आपको आपके स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए। तो ये भी बेहद जरूरी है कि क्लास में आप एक बार घूम लीजिए, इससे एक बहुत टची वाली फीलिंग हो जाती है सब बच्चों के साथ। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो लिख ना रहा हो, जो आपके आंसर पे ध्यान ही ना दिया हो, जिसने आपकी बात ही ना सुनी हो, उससे भी पूछा जा सकता है कि बेटा आपने सुना मैंने क्या कहा, क्यों नहीं लिख रहे हो, क्या रीजन है, आपके पास पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, हजार चीजें। मान लीजिए उसके पास पेन नहीं हुआ और आपने उसकी वो पेन वाली प्रॉब्लम उस डेमो क्लास में सॉल्व कर दी, भाई मतलब दिल जीत लोगे आप उस बालक का, कौन ध्यान दे रहा है कि मेरे पास पेन है नहीं है, सुबह से मैं सारे पीरियड्स में ऐसा ही बैठा हुआ था, ये जो डेमो वाली मैम आई ना, इन्होंने तो ये तक ध्यान दिया कि मेरे पास पेन नहीं है, यानी मतलब बल्ले बल्ले हो गए भाई, अब इनका पीरियड जो है वो मैं जरूर पढ़ूंगा। जब प्रिंसिपल या फिर कोऑर्डिनेटर पूछने आएंगे ना आपके बारे में कैसा पढ़ाया,
तो आप वो बच्चा जो कभी नहीं पढ़ता वो बच्चा बोलेगा अरे मैडम बहुत बढ़िया पढ़ाया था, मतलब इनको तो जरूर ले लो, तो वो भी शॉक्ड हो जाएंगे, अब इसे पढ़ा के चले गए तो मतलब क्लास के बाकी सारे बच्चे भी हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका टीचिंग लर्निंग मटीरियल, यानी मैंने पहले कहा आप कॉन्फिडेंट कब होंगे, तब आप तैयारी करके जाएंगे, जब आप पहले से टॉपिक को जानते होंगे। होता है समटाइम्स कि रैंडम टॉपिक भी दे दिया जाता है, बट ऐसा भी नहीं है ना कि आप सेवंथ क्लास की एसएसटी पढ़ाने जा रहे हो आपको पता ही नहीं है सेवंथ क्लास की एसएसटी में है क्या, आपको पहले से जानना होगा नहीं जानना होगा जिस क्लास के लिए आप डेमो देने के लिए जा रहे हैं। हाँ, एक दो टॉपिक तो आप बहुत बढ़िया से तैयार करके गए हैं, उसके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से तैयार करके गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई और टॉपिक दे दिया तुझे ये नहीं आता, मतलब ये नहीं कराया हमारी मैम ने, ये नहीं आएगा हमारे एग्जाम में, ऐसा भी आपको प्रेजेंट नहीं करना है। टीचर वही होता है जो इमीडिएट किसी भी सिचुएशन में, चाहे आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक उसे दे दिया गया है, बट स्टिल अपनी क्लास को वो बहुत इंटरेक्टिव वे में अच्छे से एंगेज रख सकते हैं। पता है कई बार ऐसा होता था जब 11th 12th क्लास में इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट, बट साइंस सेक्शन में सब्स्टिट्यूशन लगा दिया जाता था, अब साइंस सेक्शन में जाके बताओ कॉमर्स का टीचर क्या पढ़ाएगा, बट ऐसा नहीं है, टीचर के पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, बहुत कुछ होता है, इतना होता है कि कॉन्टिन्यूसली 10 पीरियड उसे साइंस सेक्शन में छोड़ दिया जाए तो साइंस के बच्चे ये कहते थे मैडम प्लीज हमारी क्लास से जाइए मत, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने साइंस क्यों ली, अच्छा आपका कॉम्बिनेशन यही क्यों रहा, ओके इससे कौन कौन सी स्ट्रीम्स है, ये सब नॉलेज तो आप लोग रखते हैं नहीं रखते हैं, इसके अलावा आपके पेरेंट्स जो है उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया, उस फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बच्चों की उस किताबी ज्ञान से अलग भी बहुत सारी नॉलेज है। कई बार डेमो क्लास में अपने टॉपिक पे आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं ना कि आपका टॉपिक आपका सब्जेक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भी आपका सिलेक्शन 200% हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डेमो क्लास जो आप सभी टीचर्स को ध्यान रखना है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, चाहे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो चाहे बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो, कि आप हमेशा उगल देते हो जैसे ही क्लास में आते हो अपना टॉपिक कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ फलाना फलाना, और तुम लोग ध्यान से पढ़ लेना, पढ़ो पढ़ो मेरी बला से ना पढ़ो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मतलब मेरा सिलेक्शन ही तो नहीं होगा, वो तो वैसे भी 10 जगह पहले नहीं हुआ है ना, ये वाली टेंडेंसी लेके आ दो फिर कर दो मैम हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस जो आपका माइंडसेट है कि जाते ही टॉपिक ओगल देते हो क्योंकि हम अंदर से भर के एकदम तैयारी करके गए, मैडम ने कहा था तैयारी करके जाना, नहीं आपको तैयारी करनी है कि मुझे बच्चों को टॉपिक पे कैसे लेके आना है, वो होती है फर्स्ट किक, जिसमें अगर आपने उसको प्रेजेंटेबल कर लिया, उसमें अपनी क्लास को पूरी तरीके से अपने साथ कनेक्ट कर लिया, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रही हूँ मुझे एसएसटी में लाइक सन के बारे में पढ़ा रहा है, देखिए मैं तो टॉपिक तैयार करके भी नहीं बोल रही हूँ आपके सामने, बस आपकी जो प्रॉब्लम थी उस पर मैं वीडियो बना रही हूँ बैठ के, तो मुझे सन के बारे में एसएसटी में बच्चों को पढ़ाना है, ओके बट मैं क्या करूं, मैं क्या जाते ही सन बोल दूं कि आज मैं आपको सन के बारे में पढ़ाऊंगी इस डेमो क्लास में, ओके स्टूडेंट या फिर ऑनलाइन क्लास से आज हम सन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर दूसरा फैक्टर एक फोटो सन की दिखाऊं कि ये क्या है, ऑब्वियसली छोटा सा बच्चा जानता है सूरज है सन है, ओके आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एक ये तरीका भी हो सकता है, बट स्टिल मुझे ये भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अब मैं आपसे कहूं कि मैं बच्चों को कहती हूं कि बच्चों मैं आप लोगों को ना पढ़ना पढ़ाना तो हो जाएगा, बाद में एक ऐसी पजल देती हूं जिसके बारे में आप गेस करके बताओ मैं किसका नाम ले रही हूं, वो हमसे बहुत दूर है, दैट डिपेंड्स कि इंग्लिश में हिंदी में आप इस पजल को क्रिएट करें, वो हमसे बहुत दूर है और वो बहुत भयंकर गर्म है, हमेशा गुस्से से लाल रहता है, कोई उसके पास नहीं जा सकता, और मैंने तो ये सुना है कि वो कोई स्टार भी है, कोई जानता है इसका नाम, डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा कि मैम सन मैम सूरज, और नहीं भी मिलेगा तो बाकी सारे बच्चे जो एटलीस्ट सोचेंगे कि क्या हो सकता है यार क्या हो सकता है, और जब बच्चे सूरज बोलेंगे तो उनके दिमाग में पहला ही ऑप्शन ये छप जाएगा कि अच्छा आज सन के बारे में मैडम शायद कुछ बात करेंगी, तो ठीक है सन अभी भी आप नहीं बता रहे हो कि मैं सन पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, ओके भाई वो बड़ी इंटेलिजेंट क्लास है, मतलब बच्चों तुम तो क्या क्या नहीं जानते हो, मैं तो इसी बात पे शॉक्ड रह गई, मुझे नहीं पता था स्कूल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, वेरी नाइस गुड जॉब, वो क्लैप सिखाई है ना मैंने आपको क्रेजी क्लैप, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कभी कभी बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए हमें इस तरीके की क्लैप्स भी करा देनी चाहिए, गुड जॉब मतलब गुड जॉब, तो ये वाली क्लैप्स आप अपनी क्लास में करा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब बच्चों ने बता दिया आपको सन, अब आप पूछ सकते हैं अच्छा सन ओके यानी आप लोग जानते हो सन के बारे में क्या होता है, सन सन का क्या काम होता है, ओके व्हाट इफ देयर वर नो सन,
बताओ बताओ, अग्रसर हो ही ना तो क्या होगा बच्चों? फिर जो आंसर्स आपको मिलेंगे भाई मजाल, आपको टॉपिक पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया जो 3% एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं ना क्लास के, उनके पास बधेरी नॉलेज होती है, उधेड़ देंगे टॉपिक को, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। और ऐसे नहीं है कि सब बच्चे बता देंगे तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, क्योंकि मेरा सारा काम तो बच्चों ने कर दिया, मतलब सब पढ़ा दिया बच्चों ने, नहीं। आपका काम है कि आप उनकी नॉलेज को निकलवा रहे हो, तभी तो कहते हैं शिक्षक सिर्फ एक सुगम करता है, बच्चे को सब आता है उसकी एज के हिसाब से। अब जो जो वो पॉइंट्स उनके बारे में बताते जा रहे हैं, कैटेगराइजेशन करते हुए उन पॉइंट्स को आप बोर्ड पर लिखते चले जाइए, जो भी पॉइंट्स वो सन के बारे में आपको, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ये जितनी वो नॉलेज रखते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपने बोर्ड पे बताते जाइए और वेरी गुड बोलते जाइए और बस। और जब वो पूरी भर के नॉलेज उनकी निकाल लो, उसके बाद कहना कि अरे वाह, मतलब भाई क्या बच्चे हैं इस क्लास के। पता है आप लोगों को, आज मैं यही टॉपिक पढ़ाने वाली थी, बट मैं तो शॉक रह गई कि ऑलरेडी इस क्लास के बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो अब मुझे इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, अब मुझे इसमें बचा ही क्या है तुम लोगों को बताने के लिए, तुम्हें तो पहले से ही सारी चीजें आती है। अब बाकी सारी चीजें जो है वो आप एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, जो कुछ पॉइंट्स रह गए, और हो जाएगा आपका टॉपिक कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर डेमोन्स्ट्रेशन TLM पिक्चर दिखा सकते हो, जो चाहे वो उसके बाद एडिशनल आप एड कर सकते हो। मजाल कोई उस क्लास से आपको हिला दे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बस पढ़ाने का तरीका आपको यही रखना है, बाकी सारी चीजें दरकिनार कर दी जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि इंग्लिश की नॉलेज नहीं रखते, तब भी कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाए, एक बढ़िया सी अच्छे से हमारे बच्चों को कोई पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। करके तो देखिए, ऐसे फालतू में डरने से किसका भला हुआ ये बताइए, शुरुआत तो करिए। एक डेमो में रिजेक्शन होगा, 10 में होगा, आगे जाके तो सिलेक्शन होगा, कहीं से शुरुआत तो करिए। तो उम्मीद करती हूँ ये जो टिप्स हैं आपके डेमो को इंटरेस्टिव और इम्प्रेसिव बनाने वाले, तो आपको पसंद आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अपनी इतनी लंबी वीडियो यहाँ तक देख ली, तो डेफिनेटली पसंद आ गई है, तो वीडियो को लाइक अप कर देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो दिस इज वेरी बैड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टिल आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप डेमो क्लास चाहते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी हो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड, टीचिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर गैजेट को यूज करने से रिलेटेड, ऑनलाइन क्लास में किसी, तो प्लीज डू कमेंट बिलो दिस वीडियो, मैं बैठी हूँ यहाँ पर आंसर करने के लिए आपके क्वेश्चंस को। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपने लाइक कर दिया और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।